हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल ज्ञान गुरुज सीनेट कॉमर्स। तो आज हम पढ़ेंगे सेनेट एंड वीवो मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन का। तो अभी तक हमने एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ा, आज हम सेनेट एंड वीवो मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये मॉडल बहुत ही ईजी है क्योंकि हम इसमें 80 और 90% ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये मॉडल सेम मॉडल है जैसे हमने कम्युनिकेशन प्रोसेस लास्ट से लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था, वो सेम है। एक्सेप्ट इसमें जो कम्युनिकेशन प्रोसेस में हमने जो फीडबैक लगाया था, वो फीडबैक हम यहाँ पे हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे फीडबैक नहीं होता। अगर हम कम्युनिकेशन प्रोसेस से फीडबैक हटा देते हैं तो वो शैनन एंड व्यूअर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन बन जाता है, ठीक है। तो ये जो मॉडल है, ये जो प्रपोज किया था 1948 में, जो सेनन है वो अमेरिकन मैथमेटिशियन थे और जो वीवर थे वो एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे। तो दोनों ने मिलकर एक आर्टिकल लिखा जिसे मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन भी बोला जाता है और सेनन वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन भी बोला जाता है। ये जो मॉडल है ये वाइडली एक्सेप्टेड है, और क्योंकि ये वाइडली एक्सेप्टेड है तो इसे मदर ऑफ ऑल मॉडल बोला जाता है, ठीक है। इस मॉडल की जो स्पेशल चीज़ है वो ये है कि ये लीनियर मॉडल है, जो बेसिकली हमें ये समझाता है कि जो मैसेज हैं वो कैसे सेंड और रिसीव होते हैं, और अगर कहीं किसी पॉइंट पे अगर मैसेज लॉस्ट हो जाए तो वो हम आइडेंटिफाई कर पे उसे इम्प्रूव कर सके, ठीक है। तो ये जो मॉडल है वो स्टार्ट होता है सेंडर से। सेंडर कौन होता है? जो इन्फॉर्मेशन पास ऑन करता है, जो इन्फॉर्मेशन का सोर्स होता है। उसके बाद आता है एनकोडर। सेंडर के बाद क्या होता है? एनकोडर। एनकोडर क्या होता है? सेंडर जो है वो मैसेज को ट्रांसमिट करने के लिए मैसेज को कन्वर्ट करता है साइन और सिंबल में, ठीक है। और उसके बाद एक चैनल के थ्रू, फॉर एग्जांपल अगर फ़ोन पे इंफॉर्मेशन पास ऑन करनी है तो फ़ोन के थ्रू, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन को आगे पास ऑन करता है। नेक्स्ट स्टेप होता है डिकोडर का। डिकोडर क्या होता है? डिकोडर वो इंसान होता है जो मैसेज को डिकोड करता है। डिकोड मतलब जिस वे में मैसेज सेंड किया गया है उसी वे में अपनी नॉलेज के लिए, अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको मैसेज को डिकोड करे, और फाइनली जिस तरीके से मैसेज भेजा गया है उस वे में उसके पास मैसेज आ जाएगा। यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखने वाली बात होती है कि नॉइज़। जब चैनल, फॉर एग्जांपल अगर फ़ोन पे अगर इंफॉर्मेशन पास ऑन होती है तो हो सकता है कि बैकग्राउंड में कोई नॉइज़ हो जिसकी वजह से जो मैसेज है वो सेम वे में नहीं लिया गया है, सेम वे में नहीं लिया है बिकॉज ऑफ द नॉइज़, क्लियर नॉइज़ की वजह से, नॉइज़ की प्रॉब्लम की वजह से, ठीक है। तो ये एक बैरियर है, ठीक है। एक सिंपल कम्युनिकेशन प्रोसेस में जो नॉइज़ है वो एक बैरियर का काम करता है, जिससे इंफॉर्मेशन की जो जिस वे में मैसेज भेजा जाए, शायद नॉइज़ की वजह से उस वे में वो मैसेज ना भेजा जाए, ठीक है। तो ये था ओवरऑल शैनन एंड वीवो मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। तो बहुत ही ईजी है। इसमें जो पॉइंट ध्यान रखने वाली बात है कि फीडबैक इसमें कंसिडर नहीं किया गया है। अगर कोई क्वेश्चन बन के आए कि फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन प्रोसेस और शैनन एंड वीवो मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में क्या डिफरेंस है, तो डिफरेंस बेसिकली यही है कि शैनन एंड वीवो मॉडल में फीडबैक की कोई बात नहीं कही गई है, और यही इसका ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक ये है कि उन्होंने फीडबैक की इसमें बात नहीं की गई है। So thank you everyone for watching this video. If you like this video, please like, share and subscribe.